गाइज कैसे हो आप लोग। गाइज तो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए फिर से चार स्मार्टफोन। तो गाइज ये है रियलमी X2, ये है रियलमी 6 प्रो, ये है सैमसंग A51 और ये है रेडमी नोट 8 प्रो। ठीक है, इस तो चारों स्मार्टफोन का कर दिया है मैंने वॉल्यूम फुल और अब मैं चारों में कुछ म्यूजिक प्ले करके आपको सैंपल सुना देता हूँ। स्टार्ट करते हैं रियलमी X2 से। अब 6 प्रो। गाइज़ यहाँ मुझे रियलमी X2 रियलमी 6 प्रो से स्लाइटली बेटर लगा जो ओवरऑल क्वालिटी थी। वैसे रियलमी 6 प्रो का भी स्पीकर यहाँ पे लाउड है एंड क्वालिटी भी अच्छी है। मैं आपको फिर से रियलमी X2 प्ले करके दिखाता हूँ। अब गाइस A51। अब गाइस नोट 8 प्रो। नोट 8 प्रो एंड सैमसंग A51 में ज़्यादा अच्छा मुझे क्वालिटी के मामले में नोट 8 प्रो लगा। वैसे आपको किसका अच्छा लगा आप ज़रूर बताना, और मेरा कोई भी फेवरेट नहीं है, बस मेरे लिए सारा स्मार्टफोन मैंने अपने पैसे से खरीदा है, सब मेरे लिए स्पेशल है। ओके, तो फिर से मैं आपको नोट 8 प्रो और A51 का सुना देता हूँ। बीट्स वगैरह जो है वो नोट 8 प्रो में A51 से मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, और अब मैं नोट 8 प्रो और रियलमी 6 प्रो को आपको फिर से एक बार सुना देता हूँ। Just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin.
ये था 6 प्रो। जितना सुंदर होगा साथ साथ स्पीकर जितना लाउड होगा तभी आपको एक परफेक्ट एक्सपीरियंस मिलेगा स्पीकर में म्यूजिक सुनने का। तो नोट 8 प्रो से रियलमी 6 प्रो यहाँ पे बेटर है क्योंकि ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है आपको ज़्यादा बेहतर होने वाला है। ये लाउड भी है एंड क्वालिटी भी स्लाइटली बेटर है नोट 8 प्रो से। अभी आपके सामने मैंने दोनों का सैंपल सुना दिया, आपको दोनों में कौन ज़्यादा पसंद आया ज़रूर बताना। अब गाइस मैं रियलमी 6 प्रो और रियलमी X2 फिर से आपको एक बार सुना देता हूँ। चारों का सैंपल आपने सुन लिया है एंड आपको किसका स्पीकर ज़्यादा अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं यहाँ पे Realme X2 पिक कर रहा हूँ क्योंकि मैं जो सामने से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मुझे Realme X2 का आउटपुट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। लाउड भी है, क्वालिटी सबसे अच्छी है, बीट्स वगैरह हर एक डिटेल आपको Realme X2 में ज़्यादा अच्छा सुनने को मिलेगा। अगर स्पीकर में म्यूज़िक आपको सुनने में मज़ा आता है तो डेफिनेटली Realme X2 सबसे अच्छा है, उसके बाद Realme 6 Pro। इन चारों स्मार्टफोन के साथ कुछ और स्मार्टफोन्स के कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखते रहने को मिलता रहेगा लगातार। बैटरी के बारे में, चार्जिंग स्पीड के बारे में एंड कुछ और टेस्ट भी मैं करके दिखाऊंगा। डिस्प्ले के बारे में भी आपको आने वाले दिनों में कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने को मिलता रहेगा। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए एंड गाइस देखते रहिए iPhone Unbox। थैंक यू वेरी मच।